हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना इलेक्ट्रॉनिक्स से उल्लास खत्री आज आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। बहुत टाइम बाद थोड़ा टाइम मिला है आज, और ख़ास करके दिवाली है तो थोड़ी ग्राहकी मंदी भी है और अच्छा भी चल रहा है। ये देख लीजिए, एक पैनल है 32 इंच का, एलजी का टीवी है ये, और एलजी में ये पैनल यूज की हुई है। इसमें प्रॉब्लम है ओवर ब्राइटनेस और थोड़ा नेगेटिव टाइप पिक्चर आता है। अब मैं आपको ये पीस चालू करके दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है। अकेला हूँ इसलिए थोड़ा वीडियो इस तरह से बन रहा है। देखिए, ये वीडियो ओवर ब्राइटनेस जैसा है, ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा ही दिख रही है, वाइटनेस थोड़ा पिक्चर में ज़्यादा है। ये सिंबल देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा है, हर तरफ से आपको ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा दिखेगी। नज़दीक से ले रहा हूँ क्योंकि लाइट का फोकस ज़्यादा हो रहा है। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन इस तरह से दिखाऊंगा। ओवर ब्राइटनेस में दो प्रॉब्लम होते हैं, दो चीज़ चेक करनी होती है। सबसे पहले आता है आपका वीकॉम वोल्टेज, और दूसरा आता है आपका ये बेसिक ये गामा वोल्टेज। अब इसको चेक करने के लिए देखिए, पिक्चर भी थोड़ा ऐसा नेगेटिव जैसा हो रहा है। अब मैं आपको ये चेक करके दिखाऊंगा कि गामा वोल्टेज और वीकॉम वोल्टेज कैसे कितने आ रहे हैं। देखिए, ये मीटर है, इसमें वोल्टेज आपको दिखाई दे गए। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये यहाँ पे सारे वोल्टेज सही है। ये VGL के देखते हैं। सबसे पहले देखिए आप, VGL के 6.7 सही आ रहे हैं। अब 200 की रेंज में ये VGH के वोल्टेज है, सही आ रहे हैं 31.1। अब ये यहाँ पे AVDD वोल्टेज देखिए दोस्तों, ये ओवर ब्राइटनेस ज़्यादा ही हो रहा है। अब यहाँ पे आएंगे AVDD वोल्टेज, सॉरी, ये वीकॉम वोल्टेज है, वीकॉम वोल्टेज भी 5.1 आ रहा है, थोड़े कम है लेकिन चलता है। AVDD वोल्टेज भी देख लीजिए, ये मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे 15.2, ये भी सही है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? मैंने ट्राई किया कि भाई शायद चलो 5.1 वीकॉम वोल्टेज है, तो मैंने 6.5 वोल्ट बनाया है बक कन्वर्टर से इससे, लेकिन DC to DC IC ये ओवरहीट होने लगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, मैं थोड़ी देर के लिए आपका ये मैं अपना लाइट बंद कर रहा हूँ तो आपको क्या सब दिखाई देगा सही तरीके से। अब मैंने क्या किया कि भाई क्या हो सकता है, तो ये गामा IC है, नसीक से यहीं से ले लेता हूँ। ये गामा IC है। अब ये गामा वोल्टेज यहाँ पे आते हैं। अब मैंने देखा कि एक नंबर पे जो गामा पिन है वहाँ पे खाली 10.11 के आसपास आ रहे हैं, जबकि वहाँ पे आने चाहिए 15।
तो जबकि गामा आईसी को वोल्टेज है, ये गामा आईसी है, यहाँ पे वोल्टेज जो वीकॉम के वोल्टेज आते हैं वो देखिए 15 तो सही है, बराबर है, लेकिन जो वीआरईएफ के वोल्टेज है वो 11 ही है। इसकी रेंज लेते हैं तो ज्यादा ख्याल आएगा। ये देखिए वीआरईएफ के वोल्टेज 10.87 है, जो यहां पे वही आ रहे हैं जो यहां पे गामा इनपुट वोल्टेज में। तो अब उसके वजह से गामा सेक्शन पूरा वर्क नहीं कर रहा है, तो या तो मुझे आईसी चेंज करनी पड़े या कोई डीसी टू डीसी आईसी में यहां पे कुछ करना पड़े। तो मैंने एक आइडिया लगाया, जो वीकॉम वोल्टेज है वो वीआरईएफ के साथ शॉर्ट कर दिया मैंने। देखो यहां पे मैं शॉर्ट करूंगा, फिर आपको कैमरा लूंगा क्योंकि दोनों हाथ मुझे चाहिए होंगे। सॉरी दोस्तों, 2 सेकंड के लिए मैं वीडियो थोड़ा दूर करूंगा। ओके दोस्तों, देखो मैंने ये यहाँ पे लगा लिया है, एक पतला सा तार लगा दिया है जहां पे ये वोल्टेज आते थे, आप देख सकते हैं। देखिए ये जो पीएफ के ऊपर वीकॉम के 15 वोल्ट आते थे वो मैंने वीआरईएफ में दे दिए। अब वीआरईएफ में देने के बाद अब देखिए वीआरईएफ के वोल्टेज हो जाएंगे 2 जो देखिए वीआरईएफ के वोल्टेज आ गए 15। तो अब यहां पे ये 15 वोल्ट हो गए। अब हम चेक करते हैं बैकलाइट ऑन करके कि पिक्चर कैसा बना है। ये देखिए दोस्तों, ओवर ब्राइटनेस कहीं से भी नहीं है, कलर एकदम नेचुरल हो गया, सब कुछ एकदम सही, फर्स्ट क्लास। जो पहले पिक्चर भी सही नहीं दिखता था एकदम कंप्लीट हो गया। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए मैंने यहाँ पे जो किया था, लाइट बंद करके दिखाता हूँ आपको। ये पॉइंट पीएफ से पॉइंट पे मैंने जम्पर लगा दिया है, ये सही हो गया है। अब पिक्चर एकदम नेचुरल और कंप्लीट है, कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है और ब्राइटनेस भी नहीं है। तो दोस्तों कभी भी पैनल रिपेयर करें हर वोल्टेज को बारीकी से देखना जरूरी है, वरना आप पैनल रिपेयर नहीं कर पाओगे और कुछ ना कुछ बदलने में आपके स्कैलर खराब हो सकती है, फिर आपको बॉन्डिंग करके स्कैलर बदलनी पड़ेगी या तो फिर कॉप खराब हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, और आशा रखता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।